के नवादा जिला परिषद अध्यक्ष पद पर एक बार और 3 वोट से पुष्पा देवी ने जीत दर्ज की। वहीं निशा कुमारी अपने प्रतिद्वंदी रहे गीता देवी को 1 मतों से हराकर उपाध्यक्ष बनी। अध्यक्ष पद पर चुनाव के दौरान पुष्पा देवी को 14 मत मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी वसंती देवी को 11 मत मिला। वही चुनाव की प्रक्रिया समारोह के सभाकक्ष में संपन्न कराई गई। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को DM यशपाल मीरा ने शपथ दिलाई। समर्थकों ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वही नव निर्वाचित जिला परिषद अध्यक्ष पुष्पा देवी ने कहा कि मैं अपनी जीत के लिए समस्त नवादा जिला वासियों को बधाई देती हूँ। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विश्वास के नारे के साथ काम करेंगे। जिला परिषद के जो मामले लंबित है, हमारा प्रयास होगा कि उनको पूरा किया जाए और सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचे। वही जिला परिषद उपाध्यक्ष पद पर चुनी गई निशा कुमारी ने कहा कि जीत का सारा श्रेय हम राजद के समर्थकों, पार्टी के नेताओं और क्षेत्र की जनता को देना चाहेंगे। और निशा जी, आप उपाध्यक्ष बनी हैं, बधाई हो आपको। क्या संदेश है मैडम? मैं जनताओं को धन्यवाद करती हूँ कि इस लायक वो समझे हैं हमें, कि मैं भाग्यशाली हूँ कि उनकी मैं सेवा करने के लिए दोबारा यहाँ आई हूँ। धन्यवाद। निशा जी, आपका क्या कहना है? पहली बार आप निर्वाचित हुए नर्दीगढ़ से, फिर आप अध्यक्ष पद पर, उपाध्यक्ष पद पर काबिज हो गई हैं, क्या कहना, क्या संदेश? जनता का सेवा करेंगे, जनता मुझे इस लायक चुनी है, क्या सेवा करेंगे। चलिए, बधाई हो निशा जी आपको। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।